हेलो दोस्तों दोस्तों आज मैं अपने जीवन का वो दिन आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ जब मैं मात्र 19 साल की एज में गांव की क्षेत्र पंचायत पद पर चुनी गई थी। जी हाँ, क्षेत्र पंचायत पद पर मैं मात्र, मेरी एज उस समय 19 वर्ष की थी और मेरा आरएसएस विद्यालय बहेड़ी में जो यूपी में पड़ता है उसमें मेरा चयन हो चुका था। और जैसे मैंने 12th किया था तो मेरा, क्योंकि मैं टॉप में थी और आरएसएस के विद्यालय में मेरा चयन हो चुका था, उसी बीच मेरे गांव में महिला पद के लिए जगह निकली चुनाव में, जिसमें क्षेत्र पंचायत के पद पे सिलेक्शन होना था। तो मेरे गाँव के जो भी बड़े लोग थे उनके दिमाग में एक ही बात आई कि उनकी बेटी को इलेक्शन लड़ाया जाए। उस समय मेरी एज, मैं अपने गांव की रियल बताऊं, मैं अपने गांव की पहली लड़की हूं जिसने हाई स्कूल पास किया था। क्योंकि आप लोग अगर पुराने हैं तो आप समझ सकते हैं, उत्तराखंड बोर्ड पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। बात है 97 में मैंने 12th किया था और 95 में मैंने 10th किया था। उस समय जो था उत्तराखंड, मेरे गाँव से किसी ने भी हाई स्कूल पास नहीं किया था। मैं पहली लड़की थी जो फर्स्ट डिवीजन से हाई स्कूल पास करके, मतलब गांव में एक जागृति का माहौल होता ना, वो माहौल पैदा हो गया था उस समय कि उनकी बेटी ने हाई स्कूल पास किया, वो भी फर्स्ट डिवीजन से, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे लिए तो मोटिवेशन मैं खुद ही बनी हूँ, मैं किसी से, मुझे प्रेरणा तो हर नेगेटिव चीज़ से भी प्रेरित होती हूँ, मुझे, मैं डिमोटिवेट नहीं होती हूँ किसी भी चीज़ से। तो मेरे लिए बहुत, जब उन लोगों ने बोला, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रही थी और फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आर्थिक रूप से मैं डेवलप हूँ, तो उसके बावजूद मुझे चुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। लोगों को लगा कि हाँ इसमें है क्वालिटी और सामाजिक एक सोच भी है और गांव में पहली लड़की है जो 10th पास करी है, तो स्कूल में पढ़ा रही है, 12th फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन में कर रही थी, ऑलरेडी 2 साल मुझे हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ, हम क्षेत्र पंचायत पद के लिए इलेक्शन लड़वाना चाहते। बहुत दिक्कतें आई, जो अपोजिट पार्टी थी वो कई सालों से प्रधान पद पे रह चुका था, मेरे इसमें 2 ग्राम पंचायतें थी, एक का प्रधान को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी कि वो नया ही था लड़का, और दूसरी ग्राम सभा का था वो 4-5 बार बन चुका था, ऑलरेडी उसकी वाइफ भी बन चुकी थी जब महिला सीट आई। तो क्षेत्र पंचायत के पद पे जब मुझे लड़ाने की बात आई तो उनने कई कोशिश करी, मेरा रुकवाने की भी कोशिश करी, क्योंकि इलेक्शन जो फाइट करने का एज होता है वो 21 साल होता है। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगा दिए कि ये 19 साल की है और इसको नहीं, इसका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाए। लेकिन मेरे गाँव के लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, उन लोगों ने मेरी वोटर आईडीज निकाली, मेरे एज प्रूफ निकाले, और वहाँ पे जब पेश करके सारा गांव ही चले गया तो मजबूरन फिर मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। उसमें भी मैं बम्पर वोटों से जीती, पहले वाली पेटी में तो कंपटीशन था, क्योंकि होते हैं ना इलेक्शन टाइम, आपको पता है गांव में शराब पिला के या कुछ पैसे बांट कर लोग वोट बटोर रहे, वैसी कंडीशन वहाँ पे बनी थी, जो कि हमारे हाफ हाफ वोट डिवाइड हो गए। उसमें भी 3 उस क्षेत्र के जेंट्स थे और अपने, मेरे क्षेत्र से 2 थे, एक जेंट्स था एक मैं थी, तो वहाँ भी 3-2 टुकड़ों में बट चुके थे वोट। एक जो थे वो रिलेशन में हमारे मामा भी लगते थे, उन्हें किसी ने खड़ा कर दिया था, लेकिन वो इतना ड्रिंक करते थे, उनकी खुद की वाइफ ने मुझे वोट दिया। लास्ट में जब रिजल्ट आया उन्होंने कहा मेरी तो मिसेज भी तुम्हारी साइड है, तो वो भी आ गए जीतने के बाद। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मुझे लगता नहीं था कि ऐसा जीत होगी, क्योंकि पता ही नहीं था इलेक्शन क्या है, बहुत कम एज थी, इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बम्पर वोटों से जीती। दूसरी वाली जब पेटी खुली, पहले ग्राम पंचायत में तो 50-50 में काउंट हो गया, लेकिन दूसरी जब पेटी खुली तो उसमें 1 वोट उसका था, 10-15 वोट दूसरे के थे, जो मेरे क्षेत्र से बकाया सारे टोटली मुझे पड़े थे। और मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मुझे लोगों का प्यार मिला था, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मुझे प्यार किया, अपनी बेटी से बढ़कर ही कहूँगी मैं, और बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया, वही चीज़ मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा। फिर मैंने अपना कार्य क्षेत्र वहाँ छोड़ा और मैं आ गई राजनीति क्षेत्र में। 5 साल तक का मेरा राजनीतिक सफर बहुत अच्छा रहा और मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि मैं गांव की पहली बेटी थी जो आज भी जानी जाती हूँ पूरे क्षेत्र पंचायत के पद पर। दोबारा इलेक्शन के लिए मुझे बोला गया था और मुझे कई ऑफर भी आए कि आप उत्तराखंड से, आपको पार्टीज वाई भी आए, क्योंकि वोट ही इतना, इलेक्शन फील्ड इतना टफ था कि इस तरीके की जीत किसी की हुई नहीं थी। तो वहाँ से पार्टियों का भी आ रहा था, कांग्रेस पार्टी से महिला उत्तराखंड से बना देते हैं, बीजेपी से बना, सारे पार्टियों का भी आया था, लेकिन मुझे
प्रेशर में मैं किसी के काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि राजनीतिक दलों के दबाव में मैं जाना नहीं चाहती थी। सबसे पहले मैं एक बेटी थी, दूसरी मैं एक गरीब परिवार से थी, मुझे कोई और सपोर्ट नहीं था। अगर मुझे काम करना था तो उन लोगों के प्रेशर में करना था, जो कि मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मैंने अपना कार्य क्षेत्र छोड़ना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि 5 साल था, मेरे को मेरे गांव ने सपोर्ट किया था, मैंने उन लोगों के काम किए और वो बेझिझक किए। मैं किसी भी विभाग में चले जाती थी तो अधिकारी लोग हिल जाते थे कि आ गई, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते होंगे ग्राम पंचायतों की भी मीटिंग होती है, लोग अंदर खाने वहाँ पे जो खुली पंचायत होती है उसमें जो भी प्रस्ताव पास होते होते लेकिन अंदर खाने सब हो जाता उनका काम। और मुझे ये मंजूर नहीं था कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे समाज के आगे खड़ा करा है, उनका विकास न करके मैं अंदर खाने काम करूं, ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। वहाँ पे जो बड़े बड़े फार्मर थे, जॉब वाले थे, उनके भी बीपीएल कार्ड बने हुए थे, लाल कार्ड बने हुए थे, ताकि वो अपने जानवरों के लिए राशन ले सके। लेकिन जो गरीब परिवार के लोग थे, जिनके घर में खाने को नहीं होता था, उनके सफ़ेद कार्ड बना दिए गए थे, जो कि मुझे कतई मंजूर नहीं था। मैंने ब्लॉक में जाके बीडीसी मीटिंग होती है वो ब्लॉक में होती है, जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है गांव की खुली बैठक होती है, लेकिन वो खुली बैठक कभी नहीं हुई थी जो मैंने करवाई। मैंने कहा नहीं, ग्राम पंचायत की मीटिंग खुली होनी चाहिए, और ब्लॉक में जाके ये डिमांड मेरी थी। और ब्लॉक में जाके जब ग्राम प्रधान ने बदतमीजी करनी चाहिए तो डीएम एसडीएम के सामने उसे जवाब दिया था, क्योंकि उस समय उसकी वाइफ थी और वो खुद अपनी वाइफ को इग्नोर कर रहा था और अपने आप को प्रधान बता रहा था, और उसको करारा जवाब मैंने दिया। मैं नहीं चाहती थी कि समाज ने हमें जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, अपने तो हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को वो पहचान जो उन्होंने हमें दिलाई है उसका इस्तेमाल हम करें, उनके हित के लिए करें। तो वहीं से वो चीज़ जन्म जाती। मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं क्षेत्र पंचायत बनी हूँ तो मुझे लाखों रुपए मिले। जब क्षेत्र पंचायत सदस्य का वोट पड़ता ब्लॉक प्रमुख को, वहाँ से भी कई ऑफर आए, कई लोग किडनैप हुए, लेकिन मुझे ये भी मंजूर नहीं था। मैं अपने गांव पड़ता हमारा कौसानी काट ली इधर अल्मोड़ा की तरफ, तो मैं कभी नहीं गई थी, मुझे वहाँ छुपना पड़ा जब तक कि बीडीसी के वोट नहीं पड़े, ब्लॉक प्रमुख के बोर्ड न पड़े। तो उस समय गोपाल सिंह नेगी जी ब्लॉक प्रमुख बनना था कांग्रेस पार्टी से, तो कई लोगों के किडनैप हुए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, खासकर छोटी एज में जब इतना बड़ा फील्ड होता है। तो उन्हीं चीज़ों से जो मेरे साथ घटनाएं घटित हुई और मैंने फील्ड में जो चीज़ें देखी और उसको रियलाइज किया कि कितना बड़ा हमारे समाज के प्रति दायित्व बनता है, उसी चीज़ को देखते हुए मैं आई और मैंने उसी दिन प्रण किया, अगर मैं कुछ करूँगी अपने उस समाज के लिए करूँगी। और उन लोगों ने मुझे आगे उठाया है। अपोजिट पार्टियाँ बहुत आई, कई लोगों ने लांछन लगाई, क्योंकि दूसरे ग्राम सभा का जो ग्राम प्रधान था वो अनमैरिड था, मतलब एज में हमसे बड़े तो थे ही, वो शायद मुझसे 8-10 साल बड़े ही होंगे, लेकिन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इन दोनों का कुछ चल रहा है, जबकि रिलेशन में वो मेरे मामा लगते थे। और मतलब राजनीति जैसी चीज़ को मैं इस चीज़ को मानती बिल्कुल गलत चीज़ मानती हूँ, तो मतलब उन लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो ग्राम प्रधान है, ये क्षेत्र पंचायत है, आप चाहो तो इनकी शादी करवा दो। भाई क्या बाप बेटियाँ इलेक्शन नहीं लड़ते? अगर एक फील्ड में बाप बेटी एक विभाग में नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी ना जेंट्स वो हो तो आप उनको गलत वो चीज़ करो, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और मैंने कहा आप कुछ भी कह लीजिए, मैं सामाजिक क्षेत्र में जिन लोगों ने मुझे उठाया है और मैं उनके साथ में हमेशा रहूँगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने सबसे पहले उन लोगों का काम किया जिनका मुझे वोट नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं खासकर ये देखती हूँ जब इलेक्शन होता है उसके बाद दो पार्टियाँ बन जाती हैं और जो जीतने वाला होता है हमेशा वो कहता है कि इसने मुझे हरा दिया। देखिए ऐसा नहीं होता, पार्टियाँ हर कोई अपने हिसाब से देता है वोट, जिसे लगता है कि ये सही है तो उसी को वोट दिया जाता है, क्योंकि हम गाँव के लिए चुने जाते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो मोटिवेशन होना चाहिए, हमारा जो है हमें करना चाहिए, हमें समाज के लिए करना चाहिए, ना कि एक पर्सनल चीज़ व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि हमें समाज ने चुना है, चाहे वो हमें वोट देता है या नहीं देता, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हमें उनको साथ लेके चलना है। सबसे पहले मैंने उन लोगों का ही काम किया, कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा इन लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, आपने पहले उनका काम कर दिया। भाई मेरे लिए तो समान है, मैं जीत गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसमें आप लोगों का हाथ है, तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसने मुझे वोट दिया किसने नहीं दिया। हो सकता है कि मेरी यही क्वालिटी रही, आगे भी लोग कह रहे थे
और कि आप लड़ो नहीं, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था। आज आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं आई हूँ। मेरे राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र की कई ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आपसे आगे कुछ शेयर करूंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ इन चीज़ों से आपको प्रेरणा मिली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटियाँ ऐसी समाज के आगे आएँ और जो अपनी खुद के नाम से पहचानी जाएँ। मैं तो कई समय से इन चीज़ों से गुम हो गई थी, लेकिन आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसके माध्यम से मैं आप तक दोबारा आ रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि आपके हित में कुछ मैं कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत आप लोगों का धन्यवाद।